नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ के अंदर चैप्टर टू चल रहा था। चैप्टर टू के अंदर 2.2 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी। 2.1 तो अपने ग्राफ की, इसलिए वो बाद में करवाएंगे। 2.2 हो गई, अब 2.3 एक्सरसाइज है। तो 2.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स और जीएक्स से भाग देने पर, यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देनी है। पीएक्स वाली जो संख्या है उसको जीएक्स वाली संख्या से भाग देना है। पीएक्स वाली पे जीएक्स वाली का भाग देना है, यानी ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, भाजक का मतलब होता है जीएक्स को हम भाजक कहते हैं और पीएक्स को भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो भागफल तथा शेषफल याद करना। भाग देने पे अगर वो भागफल पूरा नहीं जाएगा, भागफल तो जाएगा लेकिन उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो नीचे कुछ संख्या बचेंगी वो हमारी क्या होगी, शेषफल होगी। यानी भाग दे के बताना है कि क्या पूरा भाग जा रहा है, तो भागफल क्या आया और शेषफल क्या आया। तो देखो मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर रखे हैं। मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट है, एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, भाग का निशान बनाना है ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीएच वाली संख्या को अंदर लिखना है। तो पीएच वाली संख्या हमारे एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3, ये संख्या है। और भाग वाली जो संख्या है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका आप उनको भाग देना है। नाइन्थ में भी ऐसे क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत करवाए थे आपको, तो आपको भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करना है, आपको पहली संख्या समान लानी है। आपको पहली संख्या आपको जो दे रखी है यहाँ पे, पहला पद जो दे रखा है एक्स की घात 3 है और आपको इसका भाग देना है। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ मैं साइड में करके बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। जैसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसका भाग देना है। तो आपको देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो x को x से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, क्या आता है x स्क्वायर, यानी x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर। और अगर आप x स्क्वायर को गुणा करेंगे x से तो x की घात 3 आएगी, यानी घात बढ़ती जाएगी। तो आपको x की घात 3 लाना है। तो यहाँ पे x की घात 2 पहले से दिया हुआ है, तो आपको एक x से गुणा और कर देंगे तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी। हमारे पहली संख्या भाग में हम भाग करते हैं पहली संख्या समान लेके आनी होती है। तो पहली संख्या आपके तो कैसे समान आएगी, x को x स्क्वायर से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, फिर x को इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। अब ये वाला जो आंसर आया है वो इसके नीचे लिख देंगे हम, जो सजातीय पद है। देखो तो x की घात 3 के नीचे x की घात 3 लगा देंगे, यहां x की घात 3 लिख देंगे, माइनस का 2x। देखो 5 के नीचे लिखा जाएगा क्योंकि x के यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये इसका सजातीय पद माइनस का 2x यहाँ लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका साइन बदलेंगे। ये प्लस की संख्या है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि भाग में भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, संख्या को घटाते हैं। तो घटाते हैं तो इनके आगे पहले से साइन है तो बदल जाएंगे। अब आपके ये x की घात 3 में से माइनस का x की घात 3 क्यों माइनस का है, ये नीचे इसके माइनस के ऊपर वाली प्लस की है, ये पूरी पूरी क्यों इसमें से ये माइनस होगा, x की घात 3 में से x की घात 3 माइनस होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो उस कर्ण को हम काट देते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले ये वाली x की घात 3, अब x की घात 3 के बाद में पहले x की घात 2 वाली संख्या लिखी जाएगी आपकी। तो पहले ये संख्या लिखेंगे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यानी आपको जो पीछे जो दे रखे हैं, ठीक है, ये जो आपको पद दे रखे हैं इसकी घात बढ़ते से नीचे बड़े से छोटे क्रम में चलेगी। तो पहले x की घात 3 है, अब x की घात 2 आएगा। अब देखो ये संख्या माइनस की नहीं थी, यहाँ नीचे आपने साइन बदल दिया तो ये संख्या बन गई प्लस के 2x और ये 5x, तो प्लस के 2 और 5 कितने हो गए, 7x हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, 7x और माइनस 3 है, लेकिन लिख लेंगे। फिर हमें भाग देना है, वापिस वही संख्या लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2। भाग किससे देना है, देखो पहला पद क्या है
तीन तो है, तीन के आगे क्या है, माइनस का है और एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास जो है तो हमें एक्स अब लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो माइनस का तीन एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास में है, तो हमें क्या संख्या से गुणा करनी, किससे करनी, माइनस तीन से गुणा करेंगे तो ये आपका पहला पद आ जाएगी। ये पहला पद कैसे आएगा उसको देखना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर भाग दे रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर है, तो यानी बोल नहीं आपको क्या माइनस तीन से गुणा करेंगे उसको, माइनस तीन से करेंगे तो माइनस का तीन एक्स स्क्वायर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का छह बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो पद आया वो इसके नीचे लिख देंगे, माइनस का तीन एक्स स्क्वायर फिर प्लस का छह इस तीन के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं और ये भी एक्स वाला पद नहीं है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी। देखो ये माइनस का है, अब ये माइनस की नहीं प्लस की होगी इसलिए कट गई, सात एक्स उतार लेंगे, ये माइनस का है ये भी माइनस के छह हो गए, माइनस के तीन और माइनस के छह क्या हो गए, माइनस के नौ आ गए। अब देखो आगे भाग दिया जाएगा क्या, तो इसको पहले ही बता दिए, देखो यहाँ पे क्या है छोटी संख्या थी सात एक्स, सात को छोड़ दो आप एक्स को देखो, यहाँ पे एक्स है भाग किससे दे रहे हैं एक्स स्क्वायर से, यानी इससे छोटी घात वाली संख्या आ गई, इसका मतलब ये आगे भाग नहीं दिया जाएगा, तो ये आपका शेष फल है। भागफल क्या है, सॉरी भागफल आपकी क्या है, पहले संख्या हमने एक्स से गुणा की ऊपर लिख देंगे एक्स, दूसरी गुणा हमने किससे की थी माइनस तीन से करी थी माइनस तीन, तो आपका इसका जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है। भागफल तो आपका आया, भागफल आपके आ गया एक्स माइनस तीन, और शेषफल जो आपके आएगा शेषफल आपके आ गया सात एक्स माइनस नौ, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको भागफल और शेषफल ही निकालना था, ठीक है, तो भागफल आपके आ गया एक्स की माइनस तीन एक्स माइनस तीन और शेषफल आपके आ गया सात एक्स माइनस नौ आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने करके बताया, दूसरा और क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, जो भी कमी पेशी होगी आपको सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। करने का तरीका यही रहेगा इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन पी एक्स को हम लिख लेंगे, एक्स की घात चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर, देखो मैं बोल बोल के बता रहा हूं, इसे पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को लिख भी रहा हूं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में और लिखने में, प्लस चार एक्स प्लस पांच, ये हमारा पी एक्स है वो अंदर लिखेंगे, ये भाजक हमारा ये है। अब देखो भाजक को आप अच्छी तरह से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, तो ये देखो उल्टा दे रखा है, पहले एक्स को पहले लिखेंगे माइनस को, यानी इस पद को हम सही लिखेंगे क्योंकि ये भाग वाली संख्या है। देखो आपके द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर आता है फिर एक्स आता है फिर संख्या आती है, तो आपके भाग वाली संख्या बीच में प्लस का दे दिया वन, तो ये पीछे लिखेंगे ये इसको इस अब इस वाली संख्या को आपको सही करना है आपको, यानी कभी कभी उल्टा भी दिया हुआ आएगा भाजक, ठीक है। तो भाजक का उल्टा दिया होगा तो इसको सही करना होगा आपको, तो पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर लिखेंगे हम माइनस एक्स वाला पद फिर प्लस वन, यानी इस क्वेश्चन भाजक को आपको जी एक्स को सही करना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं जैसा दिया वैसे कर दो, ये तो पहले से था इसलिए हमने भाग दे दिया, अब ये नहीं था तो इसको हमने सही किया, पहले एक्स स्क्वायर आया फिर एक्स आया फिर प्लस वन आया, अब इसका हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका भाग दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला पद क्या दे रखा है, एक्स की घात चार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स की घात चार हो गया, यहाँ पे पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, और आपको मैंने पहले बता दिया एक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स की घात चार आता है, और एक्स की घात चार लाने के लिए हमें पहला पद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यानी हम किससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट
इसका भाग देना है। तो पहला पद आपको x की घात 4 लाना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे, x की घात 4 आ जाएगा, x स्क्वायर को इस x से करेंगे माइनस का x की घात 3 आ जाएगा, और x स्क्वायर को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का 1x स्क्वायर लिख दो या x स्क्वायर लिख दो, एक की बात है। अब ये जो आंसर आया वो सारा सारा हम इसके नीचे लिखेंगे, सजातीय पद के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सजातीय पद देखो, x की घात 4 के नीचे x की घात 4 लिखा जाएगा, समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे, फिर x की घात देखो 3 आया है, x की घात 2 यहाँ पे है तो पहले x की घात 2 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का लिख लेंगे। और देखो x की घात 3 क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया तब आ गया, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई पद आपके इस ऊपर दिया हुआ नहीं है, इसको आपको साइड में लिखेंगे यहाँ पे, यानी ये जब सजातीय पद नहीं मिल रहा तो उसको साइड में लिख देंगे हम, ठीक है, लिखेंगे इसी लाइन में लेकिन साइड में। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगी डिजिट, x की घात 4 हो गया। अब मैंने क्या बताया, x की घात 4 के बाद में x की घात 3 वाला पद आएगा, तो पहले हम ये वाला पद लिखेंगे, तो देखो ये माइनस का था इसका हमने प्लस बदल दिया, ऊपर कोई संख्या है ही नहीं तो ये प्लस x की घात 3 आएगा, तो पहले हम इस पद को लिखेंगे x की घात 3 लिखा। अब इस वाले पद को सोल्व कर लो, क्योंकि x की घात 3 के बाद में x की घात 2 वाला पद आएगा, तो देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, उसके आगे 1 मान के चलो कि 1 होता है, क्योंकि x 1 सभी का गुणांक होता है, तो 1 माइनस का, अब ये प्लस के नहीं संख्या, माइनस का 1 और माइनस के 3, तो माइनस के क्या हो गए 4 और पीछे एक्स स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4x प्लस 5। अब आपको क्या लाना है, x की घात 3 लाना है, हमारे पास में बात भाषक क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर तो है, आपको पहले बता दिया, तो वो x को x से करते हैं तो x स्क्वायर आता है, फिर एक x से और कर देते हैं तो x की घात 3 आता है, यानी x की घात 2 दे रखा है तो एक x से और करेंगे, यानी एक x से और कर दो तो x की घात 3, इस x को इस x से करेंगे x स्क्वायर, इस x को 1 से करेंगे प्लस 1 x, ये आएगा। अब ये जो पद आएंगे सारे सारे हम इसके नीचे लिख देंगे, x की घात 3 के नीचे x की घात 3, फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स और चार के नीचे चार एक्स के नीचे एक्स लिख देंगे, माइनस प्लस और माइनस उल्टे साइन होंगे, ये प्लस की संख्या तो माइनस है, माइनस किया तो प्लस है, प्लस किया तो माइनस, क्यों घटाव कर रहे हैं तो साइन बदले जाएंगे। अब ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये प्लस का, ये देखो मैंने पहले ही बता दी इसके आगे 1 होता है, तो प्लस का 1 है और 4 माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। इस पद को सोल्व करेंगे, 4x है, इसके आगे भी मैंने पहले बता दिया 1 होता है, तो 4 में से ये माइनस का 1 है और प्लस का 4, 4 में से 1 1 जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 3 एक्स और प्लस 5 ये आ जाएगा। अब हमें क्या लाना है, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर लाना है, और आपके पास में जो भाजक दे रखा है एक्स स्क्वायर ही है, देखो पहला पद क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर है, और यहां पे भी पहले क्या पद एक्स स्क्वायर है, यानी अब x से गुणा नहीं करनी, अब आपको क्या संख्या से करनी, लेकिन क्या करनी है आगे, इसका क्या दिया माइनस का 3 दिया है तो माइनस 3 से गुणा कर देंगे, माइनस 3 की गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 3 की इस माइनस से करेंगे प्लस का 3x, इस माइनस की इससे प्लस से करेंगे माइनस का 3। अब ये वाला जो पद आएगा वो इसके नीचे लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, साइन बदल जाएंगे, प्लस प्लस का है तो माइनस, माइनस का तो प्लस, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, क्योंकि माइनस की संख्या बन गई,
प्लस का तीन में से माइनस का तीन जाएगा जीरो, तो ये वाला पद भी कट गया पूरा पूरा। ये प्लस के पांच और ये माइनस का तीन था, तो साइन बदल दिया तो क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो पांच और तीन क्या हो जाएंगे आठ, तो प्लस का आठ आंसर आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे भागफल सॉरी शेषफल तो आठ है, भागफल क्या है, भागफल हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। देखो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी तभी आपको चीजों को समझ में आएगा। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा मल्टीप्लाई हमारा ये वाला था प्लस एक्स, फिर तीसरा मल्टीप्लाई ये था माइनस थ्री। यहाँ साइड में हम लिखेंगे तो हम बाद में देख के लिख सकते हैं, और सीधा करोगे तो भूल जाओगे कौन सी चीज कहाँ पे लिखी गई। तो ये आपके आया भागफल, ये भागफल है ये वाला, और शेषफल ये, ठीक है। तो भागफल और शेषफल आपको निकालना था, भाग आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट और है वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं बिता रहा हूं, ऊपर सॉल्व कर देता हूं इसको। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहा हूं। पहले ये वाला पद लिख लेंगे x की घात चार माइनस पांच एक्स प्लस छह, जी एक्स वाला पद हमारे यहां लिख लेंगे। अब देखो इसको भी सही करेंगे आप, दो माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x फोर फोर है पहले दिया हुआ है, तो आप माइनस इसको ऐसे लिख लो, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लो और ये प्लस का दो है तो पीछे लिख लो। इसको भी आप अरेंज करेंगे, यानी इसको भी अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि x x के अकॉर्डिंग अपन को करना है, क्योंकि पहला पद ही x स्क्वायर दे रखा है, फिर आपको उल्टी सी दी है तो आपको क्या करना, फिर मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसलिए इसको पहले से हम अरेंज कर लेंगे। ये क्वेश्चन नोट आउट कर लिया, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, आप क्या है माइनस का x स्क्वायर प्लस दो, इसका हमें भाग देना है। ये संख्या लिख लो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर प्लस दो ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे x की घात चार, इसका है x की घात चार लाना है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी x अभी आपको मैंने बताया था x स्क्वायर को x स्क्वायर से करते हैं तो x की घात चार हो जाता है, ठीक है। तो x स्क्वायर से करेंगे, पहला पद पहली चीज तो ये हो गया आपकी, और देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें क्या लाना है, प्लस का लाना है, तो यहाँ पे माइनस से और करेंगे, इस माइनस से करने पे प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स की घात चार हो जाएगा। यानी पहला पद आपको जैसा दिया वैसा का वैसा ही लाना होता है, अगर माइनस का लाना है तो माइनस से करेंगे, प्लस का लाना है तो प्लस से करेंगे। तो माइनस को यहाँ पे प्लस का लाना था, इसलिए यहाँ माइनस क्वेश्चन में माइनस भाजक हमें माइनस का दिए, इसलिए माइनस से करके इसको प्लस बना देंगे, इस माइनस को इस प्लस दो से करेंगे, माइनस का दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला जो पद आया वो इसके नीचे लिख देंगे एक्स की घात चार। अब देखो दो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ, तो मैंने पहले बता दिया, इसको आप साइड में लिख लेंगे, माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला पद कट जाएगा। एक्स की घात चार के बाद में क्या था, एक्स की घात तीन आता है, लेकिन एक्स की घात तीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो हम एक्स की घात दो वाला उतार लेंगे। ये माइनस का था तो हमने साइन बदल लिया इसका, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उल्टा हो जाता है साइन, तो ये प्लस का दो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे। फिर ये वाला पद आ जाएगा यानी कि पांच एक्स प्लस छह, जो बच्चे का शेष बच रहा है वो वाला पद तो ऐसे भी लिखना है। अब आपको ऑफिस से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का दो, अब आपको क्या लाना है, पहला पद दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर तो लेंगे ही नहीं, अब एक्स हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, प्लस का दो चाहिए,
और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस दो से गुणा करेंगे तब प्लस का दो एक्स स्क्वायर आएगा। इस माइनस से गुणा करने में प्लस का दो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का दो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इस माइनस इस प्लस दो से करेंगे माइनस का चार हो जाएगा। तो दो एक्स स्क्वायर और माइनस का चार यहाँ लिख लेंगे, माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला पद पूरा पूरा कट गया, माइनस का पांच एक्स लिख लेंगे, तो ये दोनों पद जुड़ जाएंगे, दस बन जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, यानी भागफल आपको माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का दो, तो भागफल तो आपको ये आया। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का दो, तो शेषफल आपके आ गया माइनस का पांच एक्स प्लस दस, ठीक है। तो ये आपके इसके फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट थे, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरे पूरे आपको कंप्लीट करवा दी। इसके आप प्रैक्टिस करना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बुक होने के बाद बुक में एग्जाम्पल भी उसकी भी आप प्रैक्टिस करो, जिससे ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप इसको करना है, ठीक है। थैंक यू।